हेलो, आई एम संचना आर्यस। आज हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। आप भी जानते हैं, दुनिया भर में बहुत सी बीमारियाँ आ गई हैं, एंड स्पेशली अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करोना। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीज़न है जो करोना ने इतने मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया है? आई थिंक बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। एक इंसान की इम्यूनिटी वीक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, बट हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाते हैं। चलिए हम न्यूट्रिशन लेने की ट्राई भी करते हैं, जैसे कि हम दूर सब्जियां दालें खाने की ट्राई करते हैं, बट उसमें क्या पेस्टिसाइड्स नहीं होते? डाउट, उससे न्यूट्रिशन इंटेक तो बढ़ता है, बट उसके साथ साथ पेस्टिसाइड इंटेक भी बढ़ता है, जो कि आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। एक हेल्दी इंसान कौन होता है? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने न्यूट्रिशन को स्ट्रांग करना। बट एक तो हम लोग बिजी इतने हैं, और चाहकर भी हम अपने न्यूट्रिशन को स्ट्रांग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल। और ये हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, ये सब चीज़ें होती हैं। सो अब क्वेश्चन यही आता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को टू द ऑप्टिमम वैल्यू ले जा सके। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सुपर फूड के बारे में बताना चाहूँगी, जिसका नाम है सीबकथॉर्न। यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसके ऊपर 120 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। रशिया ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये दिया था जब वो स्पेस में जा रहे थे, एंड अभी फ़िलहाल DRDO ने भी अपने बॉर्डर के जवानों की डाइट में इसको ऐड कराया है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी एंड बालकृष्णाचार्य जी भी इसको अप्रिशिएट कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेह लद्दाख में पाया जाता है। आप भी जानते हैं, लेह लद्दाख में 12 से 10 महीने बहुत ठंड रहती है, और इतनी हार्श कंडीशन में भी ये ग्रो करता है फूड। इसका यही रीज़न है क्योंकि इसकी जड़ें 200 फीट गहरी हैं, एंड इसकी जड़ें 200 फीट गहरी होने की वजह से इसके अंदर चार ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स आ जाते हैं, जो इसको एक सुपर फूड बनाते हैं। सबसे पहले ओमेगास। आप भी जानते हैं, ओमेगास आर द डाइट ऑफ आवर हार्ट, एंड ओमेगास 3, 6, 7, 9। ओमेगा 3 तो चार चीज़ों में पाया जाता है, फ्लैक्स सीड, ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स एंड सेलमॉन फिश, जो कि हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते नहीं हैं। इसके अलावा 7, 6 हमारी बॉडी खुद बनाती है, बट उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं कर पाती है। दैट्स वाई ये हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं, बट ये सिर्फ और सिर्फ सीबकथॉर्न में पाया जाता है, एंड बहुत रेयर है जो कि ये चारों ओमेगास किसी भी चीज़ में इकट्ठे नहीं मिलते, सिर्फ सीबकथॉर्न में मिलते हैं आपको। एंड हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें 200 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड चाहिए होते हैं। सीबकथॉर्न में 190 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी बनी होती है सेल से। सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं। विटामिन सी, जो कि खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन सी दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फर्स्ट इज़ ऑरेंज एंड सेकेंड इज़ आंवला। सीबकथॉर्न में ऑरेंज से 12 गुना ज़्यादा एंड आंवला से 150 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए, जो कि गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। सीबकथॉर्न में गाजर से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई, जितने भी फ्रूट्स हैं सबसे ज़्यादा सीबकथॉर्न में विटामिन ई पाया जाता है। सोच रही होंगे कि मैंने आपको सीबकथॉर्न की सारी क्वालिटीज़ काउंट करा दी, बट ये आपको मिलेगा कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर वर्क करती है, जिसमें से एक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम सीबकथॉर्न, प्योर सीबकथॉर्न बेरी से बनाते हैं, जिसका हमने नेम रखा है सीथॉर्न। ये आपकी बॉडी को कम्प्लीट न्यूट्रिशन देता है, एंड ये इस बॉटल में आता है, एंड ये WHO, ISO एंड GMP सर्टिफाइड है। इसको आपने वन ग्लास पानी में सिर्फ 2 टेबलस्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग लेना है, एंड ये आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है। आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील होती है, एंड उसके साथ साथ आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करता है।